ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NSNow। नमस्कार, NSNow देख रहे हैं आप। आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही के स्वास्थ्य सुधार को लेकर एक नई अपडेट आई है। गौरतलब है कि विगत दिनों में जितेंद्र शाही एक एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको मेदांता अस्पताल लखनऊ में भर्ती कराया गया था। अब अपडेट ये है कि तब से लेकर अब तक उनको होश नहीं आया है। हालांकि डॉक्टरों के अनुसार उनके स्वास्थ्य में सुधार बताया जा रहा है। इस बात की जानकारी आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांतीय प्रवक्ता सैयद जावेद मियां ने दी। उन्होंने कहा कि लखनऊ महानगर अध्यक्षा श्रीमती समीक्षा रस्तोगी शाही जी को देखने के लिए पहुंची थीं, जिस पर उन्होंने शाही जी के कान में मोबाइल लगाया, जिसके बाद शाही जी के रक्त शरीर में कंपन जैसी प्रतिक्रिया दिखाई दी, जिससे प्रतीत होता है कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और शरीर हरकत करना चाह रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप सभी साथी अपने स्तर से ईश्वर अल्लाह से प्रार्थना दुआ करते रहें कि शाही जी को शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो और वह जल्दी स्वस्थ होकर अपने परिवार और हम सब के बीच उपस्थिति दर्ज कराएं। साथ ही आप सभी साथी उनके इलाज में आने वाले अत्यधिक खर्च को देखते हुए थोड़ा थोड़ा सहयोग भी अपनी इच्छा अनुसार करते रहे। तो इस शाही जी के स्वास्थ्य को लेकर सैयद जावेद मियां, जो प्रांतीय प्रवक्ता हैं आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के, उन्होंने जानकारी दी है कि अभी तक शाही जी को होश नहीं आया है। और लखनऊ महानगर अध्यक्षा श्रीमती समीक्षा रस्तोगी जी ने जब उनके कान में मोबाइल फ़ोन लगाया तो उनके शरीर में हलचल भी देखने को मिली है, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि उनके स्वास्थ्य में अब सुधार हो रहा है। फिर मिलते हैं आपसे अगली न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।